हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का लेसन 2 क्लास 5th रीड करवाने जा रही हूँ। उसके बाद हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। लेसन 2 हिंदी। लेसन 2 है किसी का दिल मत दुखाओ। ये कहानी है, पहले इसको पढ़ते हैं। चौपट सिंह, इसमें पहला दृश्य है, चौपट सिंह कह रहा है चूहों से, अरे वाह कितना सुंदर शहर है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्यों ना हम इसी शहर में रहें। चिंटू कह रहा है उछल कर, हाँ कितना मज़ा आएगा, परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। अब चौपट सिंह कह रहा है, अरे हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे, इतने बड़े शहर में वे दे दे हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो जहाँ पर हम ना करेंगे परेशान। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं। अब चौपट सिंह कह रहा है, आए हम हैं आपके पास विनती नहीं अनेक, बहुत जगह है इस शहर में, हमको भी दे दो एक। मेयर कह रहा है हैरानी से, अरे सोच समझ कर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं, खा जाओगे सबकी चीज़ें, कुछ भी नहीं बचेगा, हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा। अब चौपट सिंह कह रहा है हाथ जोड़कर, चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग, फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। मेयर को गुस्सा आ जाता है, वह ज़ोर से चिल्लाता है। मेयर कह रहा है, ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूँ, पूछ पकड़ कर तुम सब की बाहर तुम्हें भिजवाता हूँ। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है। सब चूहे गुस्से से भरकर मेयर के घर बाहर दरवाजे संदूक यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। चारों तरफ चूहे चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है। वह चूहों से पीछे छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करवाता है, नगाड़े वाला नगाड़ा बजाते हुए, शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। अचानक उस आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। चौपट सिंह चिढ़ाते हुए, कह दो मेयर से तुम जाकर, कर दो यह ऐलान, चूहे तो अब यहीं रहेंगे, भागेंगे इंसान। तभी अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। अब दूसरा दृश्य। अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। बांसुरी वाला, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकालें, झोली है मेरी खाली। मेयर आश्चर्य से, कैसा इनाम, कौन सा इनाम, क्या कहते हो मस्त कलंदर, किया है तुमने क्या, चूहों ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। बांसुरी वाला गुस्से से, याद रखो तुम्हारी यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी, कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। बांसुरी वाला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। बांसुरी वाला उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। तभी एक बच्चा उसके कान में कुछ कहता है, बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। तीसरा दृश्य। इधर बच्चों के घर न पहुंचने से माता पिता परेशान हैं। वे सब मेयर के पास जाते हैं। सब लोग, मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है, आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली हम सबको, वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको। मेयर परेशान होकर, चलो अभी मैं चलता हूँ आप सबके साथ, जाकर वहाँ विनती करूँगा मस्त कलंदर के पास, एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है, कभी वादा ना तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। मेयर बांसुरी वाले से, माफ़ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे, जो भी मांगोगे तुम मुझसे इनाम वही मैं दूंगा, अब किसी का दिल ना दुखाऊं, ध्यान सदा में रखूंगा। बांसुरी वाला, ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूं, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए, दर दर भटका हूँ मैं तो, पाने को दो रोटी, घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी ही है मेरा साथी। मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। सब बच्चे दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। ये बेटा आपकी कहानी थी, अब इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। शब्दार्थ देखिए, विनती प्रार्थना, दुबले कमजोर पतले, दरबान पहरेदार, स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के,
हिम्मत, साहस, झगड़ा, लड़ाई, षड्यंत्र, साजिश। अभी आप टिक द करेक्ट ऑप्शंस देखिए। चूहों ने मेयर से क्या मांगा? स्थान। चारों तरफ चूहे देखकर मेयर डैश हो जाता है परेशान। मस्त कलंदर ने चूहों को छोड़ा नदी में। ठीक है, अब आप इसके खाली स्थान देखिए। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं। इस शहर में हमको भी दे दो एक स्थान। खा जाओगे सबकी चीज़ें, कुछ नहीं बचेगा। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। ये आप फिल कर लेना सारे। उसके बाद आप ट्रू फॉल्स, सही गलत। शहर में चारों ओर पेड़ पौधे हैं, सही। शहर का मेयर दानी है, गलत। चूहे विनती करने बांसुरी वाले के पास जाते हैं, सही। मेयर ने इनाम में स्वर्ण मुद्राएं देने का ऐलान करवाया, सही। मेयर ने बांसुरी वाले के साथ धोखा किया, सही। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप, बस शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कर लेना, बाकी एक्सरसाइज आपने बुक में फिल करनी है। चूहे मेयर से क्या विनती करते हैं? चूहे मेयर से अपने शहर में स्थान देने के लिए विनती करते हैं। चूहों ने गुस्से में क्या किया? सब चूहे गुस्से में भरकर मेयर के घर बाहर संदूक और उसकी दाढ़ी में घुस गए। मेयर ने ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति इन चूहों को भगाएगा स्वर्ण मुद्राओं का थैला पाएगा। बांसुरी वाला क्यों दुखी हुआ? मेयर से अपना इनाम ना मिलने पर बांसुरी वाला दुखी हुआ। फिफ्थ, मेयर ने बच्चों के माता पिता से क्या कहा? मेयर ने कहा कि आप चिंता मत करें, मैं मस कलंदर के पास जाकर उससे बच्चों को छोड़ने की विनती करूँगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप ये क्वेश्चन आंसर पे। ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देना।